नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूँ आपके साथ प्रज्ञा सिंह। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की प्रचंड जीत। तब जी हां, जिस तरह से कांग्रेस ने एक शानदार जीत कर्नाटक में हासिल कर ली है, जिसके बाद हर कोई काफी ज्यादा हैरान है, क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत की उम्मीद शायद नहीं की गई थी, लेकिन जिस तरह से बहुमत से जीत हासिल की है कांग्रेस ने, बीजेपी को आज दो बड़े झटके लगे हैं। जी हाँ, जहां एक ओर कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा, तो वहीं ऐसा ही हाल कुछ उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में भी देखने को मिला, क्योंकि वहां भी समाजवादी पार्टी ने कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बार फिर से हार का सामना करवा दिया है। तो आज का दिन वाकई में भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और एक अल्टीमेटम भी है ये कि साल 2024 के चुनाव के लिए अब काफी मजबूत रणनीति बनाने की जरूरत है। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार कर्नाटक के मुख्यमंत्री, यहां पर अगर हम बात करें मुंबई, उनका अब अगला कदम क्या होगा, क्योंकि जिस तरीके का उनका बयान आया है उसे देखकर यह लग रहा है कि शायद अब मुंबई कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़ा झटका देने के मूड में है। जिस तरह से उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो कहीं ना कहीं अब राजनीतिक गलियारों में उन्हें लेकर कई तरह की कह सकते हैं कि खबरें सुनाई दे रही है। सबसे पहले हार के बाद क्या कुछ कहते हुए मुंबई नजर आए हैं, आप वो सुनिए। We have been not able to make the mark. CM speaking. In spite of lot of efforts, have been put on by everybody, right from our prime minister to our leader. Congress has been able to make the mark. Detail analysis once all the results come, because they are all trends are there. Once the results come, we will do the detail analysis. And as a political party and as a national political party, we'll not only analyze and we'll see then what are the gaps and what are the deficiencies where they are at different levels. We'll look into that and improve upon it, and we'll take this result in our stride and we'll go ahead and reorganize the party. Hello? And come back during Lok Sabha election. Sir, is there any... Yeah, the results are now coming in the final stages. We have been not able to make the mark in spite of a lot of efforts have been put up by everybody, right from our Prime Minister to the workers. Congress has been able to make the mark, and we'll do the detailed analysis. Once all the results come, because they're all trends are there now. Once the results come, we will do the detailed analysis. And as a political party and as a national political party, we'll not only analyze and we'll see that what are the gaps and what are the deficiencies were there at different levels. We'll look into that and improve upon it. And we'll take this result in our stride. And we'll go ahead and reorganize the party and come back during Lok Sabha election. तो देखा आपने किस तरह से यहाँ पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री मुंबई ने साफ, उन्होंने जहाँ एक ओर वो कांग्रेस की जीत पर बधाई देते हुए नजर आए, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने ये भी कहा कि वो साल 2024 में एक और मजबूत रणनीति के साथ मैदान में उतरेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं जब भी कह सकते हैं कि कोई पार्टी हारती है, और खास तौर पर जो सत्ताधारी पार्टी हो, अगर वो हारे तो ईवीएम की खराबी या फिर वोटों के साथ हेर फेर, जनता को लुभाना या बेवकूफ बनाना, इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन जिस तरह से मुंबई का बयान सामने आया, वो देखकर ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कर्नाटक में वो अपनी हार को स्वीकार कर चुके हैं और वो ये समझ चुके हैं कि उनकी हार निश्चित थी। लेकिन मुंबई की हार के लिए क्या वो खुद जिम्मेदार है या फिर पार्टी, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी का सुपड़ा आज कर्नाटक में पूरी तरह से साफ हो चुका है, कई तरह की बातें सामने आ रही है, और अब लगातार निगाहें जो जनता की हैं वो साल 2024 के चुनाव को लेकर है, क्योंकि धीरे धीरे कहीं ना कहीं बीजेपी की जो पकड़ थी वो जो कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है, और ऐसे में अब
इस बात पर भी सवाल उठने लगे हैं कि क्या लोकसभा चुनाव में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, क्या ऐसा ही एक बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर नगर निकाय चुनाव की बात करें तो उसे भी एक सेमीफाइनल के लिए हिट के तौर पर देखा जाता। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही हुआ है, तो कहीं ना कहीं साल 2024 के लिए अब जो मुकाबला है वो काफी ज्यादा टक्कर का होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि भले ही चाहे बीजेपी कुछ भी कहे, लेकिन आज कर्नाटक में कांग्रेस की जीत ने कहीं ना कहीं एक दुविधा खड़ी कर दी, क्योंकि अब जो कह सकते हैं जो चुनाव में कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, और अब देखना ही होगा कि इस जीत के बाद आखिरकार बीजेपी क्या कुछ तैयारी नहीं करती, और कांग्रेस में इस वक्त जो कह सकते हैं खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है, समर्थकों में जो खुशी की लहर दौड़ गई है वो कहीं ना कहीं एक उम्मीद बनने लगी है कि कहीं ना कहीं अब विपक्ष धीरे धीरे काफी ज्यादा मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज के लिए इस खास खबर पर इतना ही, बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।